एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकली हुई थी फॉर मैनेजर, प्रोग्राम असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ड्राइवर, स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ की वैकेंसी निकली थी। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आप लोगों को इसका फॉर्म किस तरह से भरना है, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों ये, ठीक है। आप लोगों को किस तरह से भरना है, आप लोग लास्ट तक बन रहे। अगर आप लोगों ने दोस्तों इसकी वीडियो नहीं देखी है, जो भी मैंने पोस्ट बताई है, तो आप लोगों को आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो लगाना है, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों, आप लोगों को फ़ोटो लगाना है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को लिखना है अपना नाम, कैंडिडेट का नाम, पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, एडवर्टाइज नंबर लिखना है, पोस्ट का कोड लिखना है, ठीक है। फिर आप लोगों का जो भी फीस लगी थी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, उसका नाम, ड्राफ्ट नंबर, डेट, अमाउंट वगैरह आप लोगों को लिखना है, फिर सिग्नेचर करना है, ठीक है। अगला कॉलम दोस्तों ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये ऑफिशियल यूज के लिए रखा गया है। आगे दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर देख सकते हैं अपना फ़ोटो आप लोगों को लगाना है दोस्तों। यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ बड़े बड़े अक्षरों में आप लोग अपना नाम, फादर या हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ फिगर में लिखना है और शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों की एज लिखनी है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये दोस्तों आप लोगों का वैलिड लिखना है, क्योंकि इसी पर आप लोगों को बताया जाएगा या इन्फॉर्म किया जाएगा। नेशनलिटी, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड और पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कैटेगरी लिखनी है, टिक मार्क लगाना है, लिखना भी आप लोगों को। फिजिकल कैटेगरी बताना है, एक्सर्विस मैन है तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आप लोगों को टेंथ कॉलम में बताया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी रहने वाली है आप लोगों को, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, एनी अगर डिप्लोमा वगैरह और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो आप लोगों को यहाँ पर सब चीज़ लिखनी है, कब पास आउट किए थे, ठीक है, नाम वगैरह सब। टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। एक्सपीरियंस है तो दोस्तों उसको बारे में लिखना है आप लोगों को, वर्किंग टाइम वगैरह ये सब कब से कब तक किया था, ठीक है। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस ये सब बताना है आप लोगों की। तो सर टाइपिंग स्पीड आप लोगों की क्या रहने वाली थी, इंग्लिश में कौन सी टाइप स्पीड है, कितनी है, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप बताया कि कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में अगर जानते हैं आप लोग, तो यस और नो लिखना है। 15 नंबर में बताया है दोस्तों, अगर आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस, लैंग्वेज की प्रेफरेंस देनी है स्टेनो के लिए, तो यहाँ पर अगर हिंदी में देनी है तो एक लिखना है, इंग्लिश में देनी है तो दो लिखना है इस बॉक्स में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आगे बताया है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ टाइपिंग शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए आप लोगों को कौन सा मीडियम देना है, हिंदी के लिए एक लिखना है, इंग्लिश के लिए दो लिखना है इस बॉक्स में। आगे दोस्तों इसमें बताया है 17वें नंबर पर लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर्स के बारे में यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। एनी अदर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है तो आप लोग दे सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर बताया है कि अगर आप लोगों को कोई पनिश्ड वगैरह किया हुआ है यूनिवर्सिटी वगैरह से, ये सब नो कर सकते हैं। कोर्ट वगैरह के थ्रू दोस्तों पनिश किया है तो भी आप लोग ये नो कर सकते हैं। डिस्चार्ज वगैरह दिया है तो आप लोग इसमें बता सकते हैं। लास्ट में दोस्तों इसमें बताया है डिक्लेरेशन, अपना नाम, सोन ऑफ डॉटर या डॉटर ऑफ लिखना है। फिर आप लोगों दोस्तों यहाँ पर लास्ट में अपना सिग्नेचर करना है, जब आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसका डेट लिखना है, ठीक है। दोस्तों मैंने आप लोगों को ये वीडियो बता दी है फॉर्म किस तरह से भरना है, क्या रहने वाला था, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।